तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव योगेश्वर कालका सभी जो इस वक्त हमारे साथ हैं कृपया इस मंत्र को मेरे बाद दोहराएँ

शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ महा शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महा

चंद्र महा लकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शंभ मा बस ऊपर उठे चेहरे के साथ बैठें जरा सा ऊपर उठा चेहरा आंखें बंद अपनी भावों के बीच हल्का सा ध्यान बनाए रखें अपनी आंखें खोलिए अगर मुझे पता होता कि एक वायरस इतनी ज्यादा समझ और जागरूकता का स्रोत बन सकता है तो मैंने आपको काफी समय पहले ही यह दे दिया होता मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं आपको कई अभ्यास सिखाने की कोशिश में आपको जागरूक और विवेकपूर्ण बनाने के लिए कितनी सारी चीजें अरे मुझे पता नहीं था कि एक वायरस ऐसा कर सकता है तो यह हंसने की बात नहीं है लेकिन अगर आप अपनी हंसी खो देते हैं तो वायरस चला नहीं जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं तो आप मौत से पहले ही मर जाएंगे तो इस तरह के समय में ही इस तरह के दौर में ही जब हमें लगता है कि हम एक संकट की स्थिति में हैं या जब हमें लगता है कि संकट आने वाला है यह संकट आने की संभावना है अभी तक ऐसा हुआ नहीं है लेकिन इस देश में कभी भी ऐसा हो सकता है दुर्भाग्य से कई देशों में यह संकट आ चुका है इस तरह के समय में ही आप किस तरह के इंसान हैं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो हो जाता है इसका महत्व तो हर समय होता है लेकिन आम समय के दौरान कुछ लोग बच के निकल जाते हैं वो दिखावा कर सकते हैं लेकिन जब संकट का समय आता है तब आप किस तरह के इंसान हैं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो अभी ये वायरस मुझे लगता है कि आप सब इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं सुन चुके हैं तो मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि इसकी प्रकृति क्या है लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारे लिए ये है कि यह किसी मच्छर के द्वारा चूहे के द्वारा या किसी अन्य जीव के द्वारा नहीं फैल रहा यह हमारे द्वारा फैलता है हम उसके वाहन हैं तो यह समस्या है और यह एक बहुत बड़ा फायदा भी है क्योंकि हम इंसान हैं अभी हमें यह तय करना होगा कि हम एक इंसान हैं या हम एक जानवर हैं अगर हम इंसान हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे होना है अगर हमें पता है कि कैसे होना है तो इस सरल से नियम का पालन करना कि हम इसे अगले व्यक्ति और अगले व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे ये बिल्कुल संभव है अगर आप इंसानी जानवर हैं तो आप निश्चित रूप से एक दूसरे के ऊपर लग जाएंगे और इसे एक विश्वव्यापी प्रक्रिया बना देंगे शायद आप वायरस के एजेंट हों आप हैं मैं मजाक नहीं कर रहा आप ही वह एजेंट हैं जो इसे यहां से वहां ले जाते हैं अभी जब हम यहां बैठे हैं और आप में से कई लोग आप चाहे जहां कहीं भी हों अभी हम में से कई लोग लक्षण के बिना वायरस के वाहक हैं में शायद हम में से कई लोगों में ये कभी कोई लक्षण ना दिखाए शायद हम में से कुछ में ये हल्के लक्षण दिखाए शायद में से कुछ में ये गंभीर लक्षण दिखाए शायद से कुछ गुजर लेकिन में से अधिकांश में शायद ये कोई लक्षण ना दिखाए और ये सिर्फ हमसे होकर गुजर जाए लेकिन शायद हम इसे किसी और को दे दें जिसका जीवन खतरे में है कोई और व्यक्ति जो हमसे कहीं अधिक असुरक्षित है तो इसी कारण यह समय यह साबित करने का है कि आप किस तरह के इंसान हैं सबसे पहले क्या आप एक इंसान हैं क्या आप एक इंसान कहलाने के काबिल हैं या आप बस एक और प्राणी हैं मजबूरियों से भरा एक प्राणी या आप एक जागरूक इंसान हैं अगर आप एक इंसान हैं तो सबसे बुनियादी बात यह है कि आप जानते हैं कि कैसे होना है अगर आप जानते हैं कि कैसे होना है तो सामाजिक संपर्क जब आप चुनेंगे सिर्फ तभी होगा अगर इसकी जरूरत नहीं है तो आप खुद को खुद तक ही सीमित रख सकते हैं और यह बहुत बढ़िया समय है कुछ भी न करके आप बेहद संतुष्ट महसूस कर सकते हैं कि आपने दुनिया के लिए कोई बहुत शानदार चीज की है अच्छा है ना इससे पहले कभी आपके पास ये अवसर नहीं था मैं आपके साथ कई सालों से बात करता रहा हूं कि कैसे कुछ भी ना किया जाए मुझे अलग अलग अभ्यास शिक्षाएं तरीके सिखाने पड़े ताकि आप कुछ मिनटों के लिए बैठ सकें कुछ भी किए बिना लेकिन अब आपके पास एक मौका है कि आप कुछ भी न करके दुनिया की एक बड़ी सेवा कर रहे हैं देश की सेवा लोगों की सेवा मानवता की सेवा बस कुछ भी न करके आपको इस तरह का एक और अवसर नहीं मिलेगा आपको इसका पूरा उपयोग करना चाहिए नहीं यहां आश्रम के लोग नहीं मेरे पास आपके लिए काम है क्योंकि आश्रम के इर्द गिर्द मौजूद 25 से 27 गांवों में करीब ढाई लाख लोग रहते हैं इन लोगों को शायद ये पता न हो कि वायरस फैलने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए इसने अभी तक ग्रामीण भारत में प्रवेश नहीं किया है इसलिए यही समय है कि हम बाहर जाएं और उन्हें शिक्षित करें कि अगर यह ग्रामीण भारत में आता है तो इसका सामना कैसे करें निश्चित रूप से दक्षिण भारत की ग्रामीण आबादी में इसने प्रवेश नहीं किया है लेकिन अगले तीन से सात दिनों में हम ये पक्का करना चाहते हैं कि गांवों में हर कोई इस बात के प्रति जागरूक हो कि उन्हें इससे कैसे निपटना चाहिए कैसे वे लोगों के बीच सामाजिक दूरी और व्यक्तिगत दूरी बनाए रखें जो वास्तव में इस तरह पास पास ही रहते हैं तो हम बाहर जाएंगे और कुछ काम करेंगे अरे वायरस वायरस मैं कैसे कुछ करूंगा आश्रम के आसपास एक दीवार बनाकर यहीं रहते हैं नहीं नहीं हम उस तरह के लोग नहीं हैं हेलो हम उस तरह के लोग नहीं हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाहर निकलेंगे और हमें जो करना है वो करेंगे यह बात पूरी दुनिया में स्थापित है कि बड़े पैमाने पर यह पूरी तरह से सच नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर यह सच है कि वे लोग जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं उन्हें काफी खतरा है जो किसी भी प्रकार के इम्यूनो ब्लॉकर्स का उपयोग कर रहे हैं मेडिकल कंडीशंस की वजह से जो लोग खून पतला करने की दवा लेते हैं जो किसी भी तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट से गुजरे हैं यह एक कमजोर आबादी है और एक साल से कम उम्र के बच्चे भी यह पक्का करना हमारा काम है कि लोगों का वह समूह हमारे बीच अच्छी तरह संरक्षित है मैं चाहता हूं कि आप ये संकल्प लें कि हम ये पक्का करेंगे कि अगले बारह महीनों में क्योंकि हम बारह महीनों की अवधि के बारे में सोच रहे हैं जिसमें यह वायरस अपना असर दिखा सकता है इन बारह महीनों में हमारे परिवारों में कोई नहीं आश्रम में कोई नहीं जो लोग हमारे आस हैं और इस कमजोर आयु या स्थिति में हैं यहां एक भी मौत नहीं होगी हमें संकल्प लेना होगा और यह पक्का करना होगा कि ऐसा ही हो तो आज रात हम एक अभ्यास करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए हमें क्या व्यवस्थाएं करनी होंगी या सुधारनी होंगी ताकि हम ये पक्का कर सकें कि यह समूह सुरक्षित रहे जो लोग युवा लोगों के समूह में हैं जो लोग यह झूठा दावा करते हैं कि वो युवा हैं हम आपके दावे पर जाएंगे क्योंकि यह आपकी घोषणा है यह कर्फ्यू हमारे द्वारा है जनता कर्फ्यू तो अगर आप साठ साल के हैं लेकिन अगर आपने कहा कि मैं तीस का हूं तो हम मान लेंगे अब हम यह पक्का करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करेंगे और कुछ व्यवस्थाओं को सुधारेंगे ताकि कमज़ोर लोगों के समूह की अच्छी सुरक्षा हो ये सबसे महत्वपूर्ण है युवा लोग शायद कुछ मामूली लक्षणों या शायद थोड़े गंभीर लक्षणों से गुजरेंगे लेकिन वो आसानी से ठीक हो सकते हैं अगर तुरंत इलाज शुरू हो जाए तुरंत इलाज शुरू होने का मतलब है आमतौर पर अगर आप वायरस से इन्फ़ेक्टेड हैं तो पहले तीन से चार दिन आमतौर पर कुछ भी नहीं होता चौथे पांचवें दिन आप हल्का बुखार महसूस कर सकते हैं इस हल्के बुखार को इस समय नजरअंदाज नहीं करना है और छठवें सातवें दिन आपको हल्की खांसी शुरू हो सकती है और नौवे दसवें दिन हो सकता है कि यह फेफड़ों में निमोनिया का रूप ले सकता है या और भी बदतर फाइब्रॉइड्स लेकिन जैसे ही आपको हल्का सा बुखार महसूस होता है आपको तुरंत इलाज के लिए जाना चाहिए अगर आपकी उम्र एक साल से लेकर साठ साल के बीच में है तो बहुत आसानी से 99% प्रतिशत मामलों में आप ठीक हो सकते हैं वो सारी साधना और हम अपने जीवन में जिन चीजों का ख्याल रखते हैं जैसे कि हम कैसे खाते हैं कैसे अपना जीवन जीते हैं निश्चित रूप से हमारी प्रतिरोधक प्रणाली शहर में रहने वाले ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत है तो हम इससे आसानी से होकर गुज़र सकते हैं लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस बारे में कोई विकल्प नहीं है कि वायरस किसके पास आएगा और किसके पास नहीं आएगा बारह से अठारह महीनों में वास्तव में इस ग्रह पर सभी लोग इसका सामना करेंगे सवाल केवल इतना है कि क्या हम इसे इस एक बड़ी आपदा बना देंगे या ये एक साधारण से बुखार की तरह निकल जाएगा ये उन कई चीज़ों पर निर्भर करता है जो हम करेंगे हम अगले कुछ दिनों में सुझाव देंगे कि आपको हर दिन क्या क्या करना चाहिए अगर हम वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएं, तो हमें क्या करना है लेकिन आबादी के कमजोर समूह की सुरक्षा हमें करनी ही होगी यह सबसे महत्वपूर्ण काम है जो हमें अभी करना है तो हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे घबराने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत है सावधानी की घबराने की नहीं सबसे बढ़कर यह दिखाने के लिए पर्याप्त डेटा मौजूद है कि अगर कोई व्यक्ति उत्साह से भरा है खुश है और बढ़िया महसूस कर रहा है तो उसकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली हमेशा उन लोगों की तुलना में बेहतर स्तर पर काम करती है जो उदास हैं और किसी चीज के बारे में चिंतित हैं <laughs> <laughs> मैं एक उदास शक्ल बनाना चाहता हूं लेकिन मेरा चेहरा साथ नहीं दे रहा मुझे लगता है कि मैं अगले हफ्ते ऐसा कर पाऊंगा क्योंकि आपसे गंभीर होने की उम्मीद की जाती है अगर परिस्थिति गंभीर है परिस्थिति गंभीर है हमें समझना होगा परिस्थिति गंभीर है लेकिन जरूरी नहीं है कि आप गंभीर हो जाएं और यह महत्वपूर्ण है मैं गंभीर नहीं हूं क्या इसका यह मतलब है कि मैं कुछ भी करने लगूंगा नहीं मैं सिर्फ खुश रहूंगा जिम्मेदारी से पेश आऊंगा समझदारी से काम करूंगा और आप ऐसे ही बनने जा रहे हैं हेलो एक खुश समझदार जिम्मेदार इंसान हर परिस्थिति से बहुत बेहतर तरीके से निपट सकता है उनकी तुलना में जो हर चीज के लिए गंभीर हैं, खासकर अगर आप घबरा जाते हैं तो आप लकवाग्रस्त हो जाते हैं आप लकवाग्रस्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप इसे बेहतर तरीके से संभाल लेंगे ऐसा नहीं होता ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी सभी इंद्रियां सही तरीके से काम करें आपका शरीर और आपका दिमाग हर चीज के प्रति वैसे रिस्पॉन्ड करे जिसकी जरूरत है ये सबसे महत्वपूर्ण है तो हम आश्रम में एक तरह की स्थिति बनाएंगे ताकि आप स्वस्थ रहें और मुझे पता है कि बहुत से लोग इस बारे में चिंतित होंगे लेकिन पूरी जांच के बाद हम दूसरे साधकों और वॉल्टियर्स को पंद्रह दिन या एक महीने के लिए यहाँ आने और रहने के लिए आमंत्रित करेंगे ताकि वे भी इस समय में सबसे सुरक्षित जगह पर हों क्या हम ये पक्का करेंगे कि किसी के रहने के लिए यह सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक हो तो आप में से वो लोग जो अभी बाहर हैं और कल सुबह ही यहां आने की सोच रहे हैं हम आपको एक निश्चित समय के लिए एक अलग कमरे में क्वारंटाइन में रखेंगे लेकिन हम क्वारंटाइन को भी थोड़ा मजेदार बना देंगे क्वारंटाइन का मतलब अस्पताल के बिस्तर पर उदास बैठना नहीं है क्वारंटाइन का मतलब है सिर्फ ये पक्का करना कि आप इस वायरस को किसी और को ना दे दें अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे इसी शरीर में निपटें इसे और लोगों को ना दे बस यही करना है और देश में वास्तव में ये अद्भुत है मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी ने दो दिन पहले ही एक समर्थन मांगा था और जिस तरह से देश ने समर्थन किया है वो शानदार है सड़क पर एक भी आदमी नहीं दिखा पूरे देश में यह वास्तव में अद्भुत है अगर इतनी जागरूकता और जिम्मेदारी मौजूद हो अगर हर देश में इतनी जागरूकता और जिम्मेदारी हो अगर हर देश में वहां की जनता इस तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगे तो हम वायरस से निपट लेंगे यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर वे इसका पालन नहीं करते तो यह कोई मजाक नहीं है अगर आंकड़े बहुत अधिक बढ़ जाते हैं अगर ग्राफ इस तरह बढ़ता है तो जिस तरह की आपदा आएगी कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टर कह रहे हैं कि यह दस प्रतिशत आबादी का सफाया कर सकता है हम नहीं चाहते कि ऐसा हो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम में से हर कोई जिम्मेदारी से बर्ताव करे यही नहीं अगर हम इससे इन्फेक्टेड या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो बीमार लग रहा है शायद वे बीमार ना हो क्या ठीक हैं वे बीमार लग रहे हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत क्लिनिक जाएंगे और अपनी जांच करवाएंगे इस तरह की सावधानी हमें बनाए रखनी है मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें कि ये एक लंबी दौड़ है ये तीन दिन या सात दिन या पंद्रह दिन में खत्म नहीं होगा हम पंद्रह दिनों में इसके चक्र को तोड़ने और इसके फैलाव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह खत्म होने वाला नहीं है ज्यादातर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह करीब बारह से अठारह महीनों तक चलेगा इससे पहले कि हमारा शरीर इस वायरस को संभालना सीख पाए पहली बात तो ये है कि वायरस आपको मारना नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि आप ये समझें ये आप हैं जो मर जाते हैं क्योंकि वायरस वायरस के लिए आप एक घर हैं आप उनका घर हैं वो यहां रहना पसंद करते हैं और निश्चित रूप से वे दूसरे घरों में भी जाना चाहते हैं अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लेकिन वे ये नहीं चाहते कि आप मर जाएं क्योंकि अगर आप मर जाते हैं तो एक शरीर चला गया तो उनका हत्या करने का कोई इरादा नहीं है बात बस इतनी है कि अगर आपके शरीर में उनसे लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडीज नहीं हैं, अगर आपके पास उनसे निपटने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो दुर्भाग्य से आप मर जाते हैं तो उस वजह से जान का खतरा अभी हमारे सामने एक चुनौती है अगर ये सिर्फ फ्लू होता तो हम परवाह नहीं करते लेकिन दुनिया भर में जो जाने गई हैं मुझे लगता है कि यह संख्या करीब 9000 लोगों के आसपास है लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह संख्या दुनिया भर में लाखों में जा सकती है मानव समाज अगर वाकई ज़िम्मेदारी से बर्ताव करते हैं व्यक्तिगत दूरी बरकरार रखते हुए सामाजिक दूरी है लेकिन हम अपने कमरे में या अपने घर में पार्टी कर रहे हैं ऐसे काम नहीं चलेगा व्यक्तिगत दूरी होनी चाहिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे आश्रम में बनाए रखें चाहे हमारे पास कोई भी काम क्यों ना हो कई पैटर्न जो पहले से मौजूद हैं, हम उन्हें बदलना चाहते हैं। हम जितना संभव हो आप लोगों को दूर दूर रखना चाहते हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखें खासकर उन लोगों से जो साठ साल से अधिक उम्र के हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ मुझे इस तरह का विशेषाधिकार कब मिला तो कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं सबसे पहले है अपनी प्रणाली को मजबूत करना अपनी साधना को मजबूत करना अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया को मजबूत करना और आश्रम में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पिछले पंद्रह से बीस सालों से हम हफ्ते के सातों दिन ऑन द फ्लाई रहे हैं रुककर किसी भी चीज में मौजूद रहने के लिए एक भी दिन नहीं था इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी कई चीजों में भाग लेने का समय है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाए तो चलिए इस समय का उपयोग करते हैं और और एक बेहतर इंसान के रूप में इससे बाहर आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई कई सरल से अभ्यास हैं जो हम आपको हमेशा से बताते रहे हैं हमने आपको इस तरह से बताया था लेकिन आप ऐसे करते हैं वे सभी लोग जो मुझे अमेरिका में बैठकर देख रहे हैं वे सभी जो कई बार मुझसे पूछते हैं सदगुरु मेरी झप्पी कहाँ है? मैंने अपनी जेबों में देखा वो वहां नहीं थी ये अच्छा है सिर्फ वायरस के कारण नहीं ये बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है क्योंकि गैर जरूरी शारीरिक संपर्क एक आध्यात्मिक साधक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक बंधन बना देता है शारीरिक बंधन जो बेमतलब छोटी चीजों को कठिन बना देता है छोटी सी चीजें जिन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं लेकिन एक छोटी सी, सी सीमा आपके अनुभव में एक दीवार बन जाती है एक सीमा जिसे आप आसानी से पार कर सकते हैं वो एक बड़ी दीवार बन जाती है जिसे आप पार नहीं कर सकते तो हम एक प्रोटोकॉल देंगे और हम उन सब के लिए भी यह शुरू करेंगे जो यहां हैं और आप सभी आप चाहे जहां कहीं भी हैं अगर आप अपना नाम देते हैं और अगले 24 घंटों में साधना के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप जिस भी टाइम जोन में हैं उसके अनुसार सही समय पर हम आपके लिए निर्देशित साधना करवाएंगे ताकि आप यह जान सकें कि दिन भर में क्या करना है और जहां तक हो सके जब तक कि ये बिल्कुल ही जरूरी ना हो सामान्य गतिविधि से बाहर रहें और वायरस को फैलने से रोकें यह आपके सिस्टम में हमेशा के लिए मौजूद नहीं रहेगा बेअसर हो जाएगा अगर आप इसे दूसरे लोगों तक ना फैलाएं हमें बस इतना ही करना है मुझे लगता है कि हमारे पास थोड़ा समय है तो हम कुछ सवालों पर गौर कर सकते हैं पक्षियों को इंतजार करना होगा क्योंकि यह बर्ड फ्लू नहीं है यह हमारा काम है ठीक है नमस्कार सदगुरु सोशल मीडिया पर कई सवाल आए हैं पहला सवाल कुणाल का है नमस्कार सदगुरु ये एक अभूतपूर्व स्थिति है और इस समय हर कोई हैरान है केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में क्या आपको लगता है कि दुनिया का अंत करीब है <laughs> एक बार ऐसा हुआ दो प्रचार करने वाले पादरी एक बोर्ड के साथ खड़े थे अंत करीब है तो एक आदमी जो कार चला रहा था आया उसने बोर्ड देखा अपना सिर कार से बाहर निकाला और कहा धार्मिक बेवकूफों और वो सारी दूसरी चीजें जो उसने कही होंगी और फिर कुछ सेकंड के बाद उन दोनों ने टायर के घिसने और एक दुर्घटना की आवाज सुनी फिर उनमें से एक ने कहा मुझे लगता है कि हमें बस इतना लिख देना चाहिए कि आगे पुल टूटा हुआ है तो हम बस ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से व्यवहार करें यह बीत जाएगा लेकिन आप कह रहे हैं कि अंत करीब है नहीं नहीं अंत करीब नहीं है दुनिया की आबादी का सफाया नहीं होने वाला लेकिन जब तक यह पूरा होगा लोगों की एक पीढ़ी के रूप में तब या तो हमें यह संतुष्टि होगी कि हमें संकट से अच्छी तरह बाहर आ गए या यह शर्म से अपना सिर झुकाने की बात होगी कि हमने गैर जिम्मेदारी दिखाई और इस वजह से कई लोगों की जान चली गई यह निश्चित है कि या तो आप अपने सिर को बारह महीनों में शर्म से लटका देंगे या आप अपने जीवन में संकल्प और उद्देश्य की एक भावना के साथ चलेंगे क्योंकि लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हमने इसे ऐसे संभाला कि मानवता को कम से कम नुकसान हुआ यह एक चीज निश्चित रूप से आपके लिए उपलब्ध होगी या तो ये या वो ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि हम बारह महीनों के बाद अपना सिर ऊंचा रखने में सक्षम हो आइए इसे संभव बनाए दो मिनट और हैं अगला सवाल सुप्रजा का है नमस्कार हम सदगुरु मेरे पिता एक डॉक्टर हैं और वे अड़सठ साल के हैं मैं समझती हूं कि उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की जरूरत है लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत डरती हूं कृपया मुझे बताएं कि मैं इस डर को कैसे दूर करूं इस समय एक डॉक्टर होना एक बेटी होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो डॉक्टरों को डॉक्टर के कर्तव्य बेटी की चिंताओं से पहले आते हैं मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं और उसे महत्व देता हूं लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई वो करने के लिए तैयार रहे जो वो करने में सक्षम है ऐसा नहीं है कि सभी इलाज करने वाले इन्फेक्टेड हो जाएंगे या इससे आहत होंगे पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए सावधानी केवल उनकी तरफ से नहीं बल्कि रोगी और दूसरे लोग भी जो उनके पास आते हैं वे कैसा व्यवहार करते हैं और क्या करते हैं बस इस डर से कि मुझे भी इन्फेक्शन हो सकता है आप अपने डॉक्टर को पकड़ के रखना चाहते हैं ये सही तरीका नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए विशेष रूप से वे लोग जो यहाँ हमारी सेवा करने के लिए मौजूद हैं हमें उनके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से मेडिकल प्रोफेशनल्स को इन्फेक्शन न पहुंचाएं जो हमें सेवा देने के लिए बाहर हैं और इस समय आपके पास जितने भी डॉक्टर हैं वो बहुत कम हैं अगर परिस्थिति थोड़ी भी काबू से बाहर हो गई जब परिस्थिति ऐसी है तो डॉक्टरों को बचाना और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है तो आप चाहे जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, कृपया इस बात का ख्याल रखें कि उनकी भलाई का ख्याल रखा जाए और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए तो इस समय एक डॉक्टर होना बहुत महत्वपूर्ण है तो हम कल छह बजे फिर से आपके साथ होंगे देखते हैं कि सवालों का जवाब देने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं और हम एक साधना कार्यक्रम शुरू करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो इसे करना चाहते हैं क्या रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा मौजूद है वे अगले कुछ घंटों में एक विधि स्थापित करेंगे और अगर आप रजिस्टर करते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक निर्देशित साधना होगी अगर आप घर में खोया हुआ महसूस कर रहे हैं कैसा रहेगा लोग कहते हैं होम स्वीट होम अब हम कह रहे हैं दो हफ्तों के लिए घर पर रहिए और आप कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी समस्या है मुझे नहीं पता था कि ये इतनी भयानक जगह है अगर वो एक भयानक जगह है तो यह समय है कि आप इसे एक अद्भुत जगह में बदल दें आपको पंद्रह दिन मिल गए हैं योगयोगयोगेश्वराय भूत भूत भूतश्वराय कालकालकालराय शिव शिव सर्व